हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं फिर से आ गई और एक व्लॉग के साथ। आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ मेरा डाइनिंग रूम टूर। बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आया था, थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, बट आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। एंड ऑल्सो मैं आप लोग शेयर कर रही हूँ एक यम्मी सा चिली पिकल मम्मा ने बनाया था, तो आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे आज का ये वीडियो। फ्रॉम द बिगिनिंग आई वॉज थिंकिंग लाइक कि मैं आप लोग के साथ कुछ भी मेक ओवर कर रही हूँ, शेयर करूँगी, तो मेरे पास बहुत सारे वीडियो क्लिप्स हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हम लोग का ब्रेकफास्ट एक्सटेंशन एरिया है। हम लोग को छोटा टेबल यहाँ पे बहुत लोग डालते हैं, बट हम लोग को मन किया कि जो बड़ा डाइनिंग टेबल है 6 सीटर का, यहाँ पर हम लोग डालते हैं। बहुत ही अच्छा लाइट्स आते हैं, मेरा फेवरेट एरिया है ये घर का। तो मैं सोची कुछ लाइट डेकोरेशन ही किया जाए, तो सिल्वर रॉड हम लोग चूज़ किए। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जो कॉटन्स है, हम लोग शीयर कॉटन्स ऐड किए हैं वाइट का। हम लोग ब्लाइंड भी लिए थे जब घर लिए थे, तो कुछ लाइक हैवी कॉटन्स हम लोग को नहीं चाहिए था। हम लोग चूज़ किए कि एक ग्रे कलर का टेबल हम लोग को बहुत अच्छा लगा रूम्स टू गो से, तो अकॉर्डिंगली हम लोग ये रॉग लिए। ये ग्रे कलर का है, मैं एट होम से ली थी, ये बहुत ही अच्छा कलर है, बट हाँ बच्चों के साथ मेंटेन करना थोड़ा सा टफ है, बट आई थॉट कि लेट्स गो फॉर इट। लास्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर की थी कि मैं चिली पिकल शेयर करूँगी आप लोग के साथ। विंटर सीज़न है, मतलब पिकल जो होता है ना बहुत ही घर में इंडिया में बनता है, तो मुझे मन कर रहा था कि कुछ हम लोग बनाएं। तो मम्मी आई हुई है, तो मम्मी का हाथ का जो चिली पिकल है बहुत ही अच्छा लगता है। गार्डनिंग बहुत ही अच्छा लगता है, बट यहाँ पर विंटर जैसे कि आता है गार्डन हम का ख़राब ही हो जाता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा अभी टेक केयर नहीं कर रहे हैं। बट स्टिल यू नो, जैसे कि ग्रीन पेपर्स हो गए हैं, कि जो चिलीज़ है अभी तक आ रहे हैं अच्छे से, तो बहुत सारे ग्रीन चिलीज़ आए थे, तो हम लोग सोचे कि पिकल करके रखते हैं। मेरे घर में पिकल जो है हमेशा आप लोग को मिल जाएगा, और जो चिली पिकल है मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड मम्मी बनाती है, तो हम लोग को आदत है खाने के लिए। आप वेजिटेबल सब सॉल्व ला रहे हैं? मिर्चा, टमाटर को डॉट फंडी से देंगे। और ये देख सकते हैं फ्रेश हम लोग गार्डन से लेके आए हैं चिलीज़, कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल दिख रहा है। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, और आपका चिली का साइज़ के ऊपर है, आप कितना छोटा कितना बड़ा कर सकते हैं। मैं मम्मी को फिर भी मैं बोली कि स्टिल मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, क्योंकि इतना आप नहीं खा पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा तीखा वाला ये मिर्ची। उसके साथ ही हम लोग को चाहिए नींबू का रस। मम्मी ने लिया है 3 नींबू, उसका हम लोग जो जूस है उसको वो निकालेंगे एंड मिक्स कर देंगे मिर्ची के साथ। ये जो पिकल है आप 1 डे में ही बना सकते हैं, बट उस दिन हम लोग के पास शायद मस्टर्ड सीड्स कुछ नहीं एक था, तो हम लोग सोचे कि इंडियन स्टोर से जाएंगे लेके आएंगे, तो हम लोग इसको ऐसे ही रख दिए थे। इसके साथ मम्मी ने नमक ऐड कर दिया था, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, अपने टेस्ट के हिसाब से आपको ऐड करना है, जितनी क्वान्टिटी के हिसाब से, और इसको मिक्स करके ऐसे रख देना है। डाइनिंग एरिया का मैं टूर दे रही हूँ, तो डाइनिंग टेबल सबसे फेवरेट आर्यांस को है, उसका फेवरेट जगह है ये यहाँ पे सुबह से वो रात तक यहीं पे बैठा रहता है। नहीं? पापा। जब तक हम लोग सोचे कि मस्टर्ड सीड्स लेके आए इंडियन स्टोर से, तब तक और थोड़ा सा मिर्ची निकल गया था, तो मम्मी उसको कट कर रहे हैं। और अभी हम लोग बनाते हैं जो पिकल है, तो उसके लिए मम्मी ने लिया है सौंप, छोटा छोटा कटोरी आप लोग देख सकते हैं, उसमें आएगा 2 to 3 स्पूंस ऑफ सौंप एंड मेथी, और एक बड़ा सा कटोरी है मस्टर्ड सीड्स का। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हल्का सा भुनेंगे एंड फिर मिक्स करके सबको अच्छे से लाइक फॉर लाइक 5 मिनट्स हम लोग अच्छे से ऐसे
ड्राई ही उसको कुक करेंगे एंड फिर हम लोग क्या करेंगे उसको ग्राइंड कर देंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, मस्टर्ड ऑयल मम्मी लिया है, आप अपने क्वांटिटी जो है मिर्ची का उसके हिसाब से लीजिएगा। एंड अभी क्या करेंगे, जो मसाला हम लोग बनाए उसको मिक्स कर देंगे, और जो हम लोग मिर्ची पहले का है ये आप लोग देख सकते हैं अच्छे से गल गया है वो नींबू के रस के साथ, और ये आप लोग देख सकते हैं ये फ्रेश है। यहाँ से आप लोग को आइडिया आ जाएगा कि आप तुरंत से बना सकते हैं, थोड़े दिन के बाद भी बना सकते हैं, कुछ फ़र्क इतना नहीं पड़ता है। बस हाँ कि मिर्ची जो नींबू में आ जाता है तो उसका जो तीखापन है थोड़ा सा कम हो जाता है। हम लोग एक बड़ा सा ग्लास डाल लिए क्योंकि थोड़ा सा मिर्ची का क्वांटिटी बढ़ गया था। अब इसको हम लोग इसमें रख देंगे, आप चाहें तो हल्का सा धूप में दे सकते हैं, अगर आप लोग धूप में नहीं दे रहे हैं भी चलेगा क्योंकि विंटर है तो चलेगा, आप ऐसे इसको रख के खा सकते हैं। और ये जो पिकल है आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मम्मी जैसे कि आज बना रही है पोहा, पोहा के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। मम्मी के हाथ का जो पोहा होता है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और स्पेशली मेरे घर में बहुत बार बनता है। मम्मी बहुत सारे वेजीज ऐड करती है और बनाती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशली मुझे लगता है विंटर में मेरे घर में ज़्यादा बनाया जाता है इसको। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं आज वीडियो दे रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा टाइम ही नहीं हो पा रहा है कि मैं एडिट करके आप लोग के लिए वीडियो पोस्ट कर पाऊँ, बट आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं कुछ अच्छा वीडियोस आप लोग के लिए पोस्ट करूँ। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग को क्या देखना अच्छा लगेगा। आई ट्राई, आई हैव माई ओन लिस्ट, मैं आप लोग डेफिनेटली शेयर करूँगी। उसके साथ भी आप लोग का जो सजेशन होगा मेरे लिए बहुत काम आएगा, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये देखिए आज का जो पिकल है बन के रेडी है, और उसके साथ ही पोहा है ब्रेकफास्ट के लिए। तभी आ जाते हैं डाइनिंग टेबल मेकओवर के लिए, और अभी देख सकते हैं हम लोग का डाइनिंग टेबल ऑर्डर दिए थे आ गया है ये। और बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आए थे कि आप कहाँ से लिए थे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ढूंढे थे, तभी कोविड था, बहुत पिक में था, तो हम लोग मोस्टली यहाँ पे जैसे कि रूम्स टू गो है, एशली फर्नीचर है, और कुछ जैसे कि वैल्यू सिटी फर्नीचर है, अमेरिकन फर्नीचर, बहुत सारे होते हैं, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किए थे, घूमे थे ताकि कुछ अच्छा लग जाए। मुझे बहुत एक अच्छा लगा था मार्बल टॉप का, बट मैं कैंसिल की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी था। देन वी थॉट कि मुझे ग्लास वाला नहीं जाना है, तो फाइनली चलो लेते हैं हम लोग वुडन ही, एक ऑप्शन था। तो ये जो टेबल देख सकते हैं ये हम लोग रूम्स टू गो से लिए थे, और इसका चेयर्स आप लोग जो देख रहे हैं वो नहीं है यहाँ इसका, हम लोग ये एशले से ऑर्डर किए थे, खुद जाके हम लोग स्टोर से ही ऑर्डर दे के आए थे। जो इस टेबल का चेयर था बहुत अच्छा था, बट उसका बैक सपोर्ट अच्छा नहीं था, जैसे कि वुडन ही था, तो मुझे लगा कि डाइनिंग टेबल में हम लोग खाते हैं तो अच्छे से तो थोड़ा रिलैक्सिंग होना चाहिए चेयर, तो हम लोग को वो अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग फाइनली ये एशले फर्नीचर से हम लोग लेके आए थे। उसके साथ जो डेकोरेशन है उस एरिया का आप लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं वाइट की हूँ, ग्रे टेबल, ग्रे चेयर है, मेरा ग्रे रॉक था, तो फाइनली मुझे ग्रे कलर का मिरर मिला है, मैं वो लेके आई। और ये जो मिरर मेरा टीजे मैक्स से है, और जैसे कि देखिए आप मिरर लगाने के लिए हम लोग एक स्टिकर जो हैवी ड्यूटी स्टिकर आता है वो हम लोग यूज़ किए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम लोग को और ज़्यादा यहाँ पे ड्रिल और कुछ नहीं करना था तभी। स्टार्टिंग से मेरा प्लान था कि मैं कुछ लाइट ही रखूं इस एरिया को, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सारे विंडोज़ हैं, लाइट्स बहुत अच्छे से आते हैं, तो मुझे ज़्यादा इसमें कुछ ऐड नहीं करना था,
कुछ भी ब्लैक ब्राउन ऐसे कुछ नहीं करना था, पूरा वाइट एंड ग्रे में रखना था। अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा सा हल्का सा डेकोरेशन की हूँ फ्लावर्स का, और आप लोग देख सकते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर एक मैं फॉर लाइक प्रोटेक्शन, जैसे कि वुडन है ग्रे कलर का है, तो मैं थोड़ा सा एक डाल दी हूँ। उसका लिंक मैं जो भी लिंक मिलेगा आप लोग के लिए मैं ऐड कर दूँगी इन्फो में, डू चेकआउट। और ये हो गया हम लोग का डाइनिंग एरिया का कम्प्लीट मेक ओवर। काफ़ी टाइम हम लोग को लगा था स्पेशली डाइनिंग टेबल और चेयर डिसाइड करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं ग्रे का है, बट चेयर का जो लेग्स है वो ब्लैक में है, तो मैं थोड़ा सा डाउट में थी कि हाउ इट लुक, बट मुझे लगा मिक्स एंड मैच करने से अच्छा लगेगा। दिस इज़ बिग रिस्क कि मैं यहाँ से चेयर ले रही हूँ, यहाँ से टेबल ले रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। और ड्यूरिंग कोविड हम लोग लिए थे, तो तभी ना जो मैं खुद बात की थी, बहुत टाइम हम लोग गए थे, उन लोग का स्टॉक में बहुत लिमिटेड ऑप्शन आप लोग के लिए था, और जो क्विक डिलीवरी में भी बहुत कम ऑप्शन था, तभी का मैं बात कर रही हूँ। नाउ ब्लैक फ्राइडे गया, आई डोंट नो आप लोग का एक्सपीरियंस क्या, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। बट मुझे बहुत अच्छा लगा फाइनली, एंड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो ये हो गया आज का वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।